चांदनी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम भोजपुरी टिकटॉक में। और इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ ऐसी ऐसी टॉक्स करती हूँ, भोजपुरी की ऐसी ऐसी टॉक्स होती हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। वहाँ और जो स्टार्स होते हैं भोजपुरी के, वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और रियल लाइफ में, रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो सारी खबरें मैं आपको इस प्रोग्राम में देती हूँ। और आज भी मैं कुछ ऐसी खबरें लेकर के आप लोगों के सामने हूँ जो कि भोजपुरी टिकटॉक कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह का टॉकिंग है और इसमें कोई खास एक्सक्लूसिव न्यूज़ तो नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और भोजपुरी के स्टार्स से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहली जो बात है वो बताती हूँ। और सबसे पहली जो बात है वो है हमारी शुभी शर्मा जी से जुड़ी हुई। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वो हैं तो राजस्थानी, लेकिन भोजपुरी में आने के बाद से उन्होंने जीत लिया है सभी का दिल। और साथ ही साथ जो उन्होंने जीता है वो है हमारे दिनेश लाल यादव, यानी कि निरहुआ जी का दिल। तभी तो आज निरहुआ उनके साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं सेट पर। अब वहाँ पे आम्रपाली जी भी हैं, लेकिन आम्रपाली जी के साथ नहीं बल्कि शुभी के साथ वो मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। आजकल दिनेश लाल यादव और निरहुआ काफी चर्चे में रहते हैं और काफी बिजी भी हैं अपने शेड्यूल में, लेकिन फिर भी उन्हें जब भी मौका मिलता है वो मस्ती करने से पीछे नहीं रहते। और उनसे जुड़ी जो एक खास खबर आ रही है वो खबर ये है कि आजकल निरहुआ अपने आने वाली फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की शूटिंग में काफी बिजी हैं और कभी कभार वो जब भी फ्री होते हैं तो सेट पर ही मस्ती करने लगते हैं। और जो खास बात है वो ये है कि निरहुआ आम्रपाली के साथ नहीं बल्कि शुभी के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात की खबर खुद निरहुआ ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर करके दी है, जिसमें निरहुआ और शुभी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की शूटिंग आखिरी चरण पर है और इस फिल्म में निरहुआ के साथ आम्रपाली और शुभी शर्मा नजर आएंगे। गौरतलब है कि फिल्म शुरुआती दिनों से ही काफी चर्चा में है और दर्शकों को इसका काफी दिनों से इंतजार भी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि निरहुआ यानी दिनेश लाल यादव आजकल शुभी शर्मा के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी हैं। लगता है कि शुभी शर्मा की कंपनी उन्हें काफी ज्यादा पसंद आ गई है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस फिल्म में निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे और शुभी शर्मा लीड रोल में नजर आएंगे। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि इन लोगों को जब भी टाइम मिलता है ये लोग सेट पर ही मस्ती करने लगते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों की चोरी पकड़ी जाती है, इनके फैंस इनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। और नहीं भी तो ये लोग हमेशा मस्ती करते वक्त इतने मूड में रहते हैं कि अपने फैंस के साथ बातें शेयर करना नहीं भूलते और हमेशा ये लोग पिक्चर्स डालते रहते हैं, पिक्चर्स, वीडियोज और बहुत सारी बातें हैं जो कि वो अपने फैंस को कहना चाहते हैं, वो सारी बातें अपने फैंस के सामने डाल देते हैं और सोशल मीडिया पर कर देते हैं वायरल। और उसके बाद से फैंस हो जाते हैं खुश और देख करके, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि भाई चलो हमारे इस एक्टर ने हमारे लिए इतना किया तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अगली जो बात है वो बताती हूँ। और जो अगली बात है वो रितु सिंह जी से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रितु सिंह जी जो भोजपुरी इंडस्ट्री की फेयर एंड लवली गर्ल कही जाती हैं, और फेयर एंड लवली गर्ल ऐसे ही नहीं कही जाती हैं, वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, चाहे वो सिंपल लुक हो या फिर कोई सा मेकअप वाला लुक हो या फिर कैसा भी लुक हो, वो हमेशा ही बेहद खूबसूरत लगती हैं। और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। अभी आप तो जानते ही हैं कि रितु की फिल्म आने वाली है भौजी विधाता, और भौजी विधाता जो फिल्म है ये बहुत अच्छी फिल्म है। ये हमेशा ही कोई ना कोई ऐसी स्क्रिप्ट ढूंढती है ये जिसमें एक वीमेन एम्पावरमेंट की चीज़ें हों, और वीमेन एम्पावरमेंट या फिर कोई ऐसी मूवी जिसमें कुछ मैसेज मिलता हो, तो वो इस तरह की फिल्में करना पसंद करती हैं। ऐसे उनसे जब पूछा गया कि भाई आप फिल्मों को लेके क्या सोचती हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर हम कोई सा भी एक्टिंग करते हैं, कोई भी रोल करते हैं, तो दर्शकों की नज़रों में हमारी छवि ऐसी हो जाती है। तो भाई सीधी सी बात है कि रितु सिंह जी देखने में बेशक भोली भाली हैं, लेकिन वो बहुत कुछ सोच समझ के ही कोई भी फिल्म साइन करती है। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी रोल कर ले। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रितु अभी फ़िलहाल फ्री हैं थोड़ी सी, और जब भी फ्री होती हैं वो कुछ ना कुछ इंस्टा पे वीडियोस बनाती रहती हैं और फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं, क्योंकि भाई फैंस तो उन स्टार्स की लाइफ का बहुत ज़्यादा एक बहुत ही प्यारा सा हिस्सा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा कहा जा सकता है फैंस को। तो उन्होंने भी एक वीडियो शेयर की है जिसमें कि वो एक बहुत ही रोमांटिक गाना गाते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग करते हुए उस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये उनका फ्री टाइम है और जिसमें मस्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। और उनके इस गाने को देख करके तो ऐसा लगता है वो किसी खास को याद कर रही हैं। खैर देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट।
आजकल ऋतु के अंदाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भोजपुरी की फेयर लवली गर्ल कही जाने वाली ऋतु सिंह आजकल अपनी आने वाली ढेर सारी फिल्मों में बिजी हैं और जल्दी लोगों को उनकी फिल्में देखने को भी मिलेंगी। बता दें कि फिल्म में अपने कठोर और दमदार किरदारों के लिए काफी चर्चे में रहती हैं ऋतु, और मस्ती भरे मूड के लिए भी काफी ज्यादा जानी जाती हैं। बता दें कि अभी हाल ही में ऋतु ने अपनी एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो एक रोमांटिक गाना गुनगुनाते हुए नजर आ रही हैं, जिससे ये तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि कोई तो है जिसको ऋतु काफी ज्यादा मिस कर रही हैं और गुनगुना रही हैं ये गाना। बता दें कि ऋतु हमेशा से ही अपने दृढ़ किरदारों को लेकर चर्चे में रहती हैं और कोई भी फिल्म और उसकी स्क्रिप्ट को देखकर ही साइन करती हैं, क्योंकि ऋतु फिल्मों के मामले में काफी ज्यादा चूजी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ऋतु सिंह किस तरह से गाना गुनगुना रही हैं और साथ के साथ कर रही हैं अपने मोबाइल के साथ मस्ती और याद कर रही हैं किसी खास को, तो चलिए अगली जो बात है टिकटॉक में वो बताती हूँ। जो अगली टॉक है हमारी प्यारी सी टिक वाली टॉक, वो है हमारी निरहुआ जी से जुड़ी हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि निरहुआ भोजपुरी के काफ़ी पुराने एक्टर रहे हैं और अभी भी उनके चेहरे पे शिकन नहीं दिखती, इतने ज़्यादा एज होने के बाद भी वो हमेशा मस्त रहते हैं, उनके फैंस उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अभी कुछ टाइम पहले ही उनसे जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि आप इतना मतलब पढ़े लिखे हैं, इतना अच्छा खासा कहीं ना कहीं से आप पढ़ लिख के आए हुए हैं और अच्छे खासे वेल एजुकेटेड हैं, तो आप आगे क्या करना चाह, अभी आपने ये सिंगिंग और वो भी भोजपुरी में सिंगिंग और एक्टिंग शुरू कर दी, ये क्या है, क्यों किया आपने ऐसा? तो उन्होंने बोला कि मैं जब यहाँ आया पढ़ लिख करके तो फिर मैंने सोचा क्या कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, जॉब करूँगा नहीं तो कुछ ना कुछ बिजनेस करूँगा, यही हो सकता है। तो फिर उनकी जो उनको जो सिंगिंग और एक्टिंग मिली है वो उनको विरासत के रूप में मिली। उन्होंने खुद ही बताया कि ये जो मुझे मिला है ये मेरा खानदानी पेशा है, मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे गायक हैं, मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छे गायक हैं, तो मैंने सोचा मैं भी जरा ट्राई करता हूँ। और भाई से बात करने के बाद से वो कन्फर्म हो गए और उसके बाद से उन्होंने शुरू कर दी अपनी ये फिल्मी और गायकी और फिर आगे बढ़ते गए और आज वो इतने अच्छे पोस्ट पर हैं कि उनका नाम ही बिकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोजपुरी के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर और गायक दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ हमेशा से ही किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, और फिलहाल वो अभी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 3 की शूटिंग में, और फिल्म की शूटिंग अपने आखिरी चरण पर है जो कि जल्दी इस फिल्म को खत्म कर दिया जाएगा और साथ ही साथ लोगों को जल्दी ही ट्रेलर भी देखने को मिलेगा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी गायकी और एक्टिंग के करियर के बारे में काफी सारे खुलासे किए। बता दें कि निरहुआ से जब पूछा गया कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिंगिंग और एक्टिंग को ही क्यों चुना तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और घर वापस आया तो काफ़ी कुछ सोचा अपनी लाइफ के बारे में कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि पैसे भी कमाने थे और घर भी चलाना था, इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने खानदानी पेशे को ही अपना पेशा बनाया जाए, और यही सोचकर मैंने अपने बड़े भाई से बात की तो उन्होंने भी हामी भर दी और मैंने गायकी शुरू कर दी। उसके बाद फिर एक्टिंग में हाथ आजमाया और उसमें भी काफी सफलता मिली, और साथ ही उन्होंने बताया कि गायकी उन्हें विरासत में मिली है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि निरहुआ जी को यानी दिनेश लाल यादव जी को गायकी और अदाकारी अपने परिवार से मिली है विरासत के रूप में। भाई आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं आप निरहुआ जी, जो कि आपको परिवार की तरफ से इतना सपोर्ट मिला और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है आपको, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं आप और सबसे फेवरेट बन चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बात हर किसी में नहीं होती, इसीलिए निरहुआ इतने खास हैं। और एक बात और बता दूँ आप लोगों को कि अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा कोई चार्ज करता है तो निरहुआ जी ही हैं जो सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन एक बात है कि वो गारंटी देते हैं कि वो जिस भी फिल्म में काम करते हैं फिल्म हमेशा हिट जाती है।
तो चलिए आज के लिए टिकटॉक में इतना ही, और अगली बार फिर से कुछ ऐसी चटपटे टॉक्स लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊंगी, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप लोग देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।